मानो दादाजी फंस गए। फिर तुम लोगों ने बालवीर को बुलाया, बालवीर बालवीर करके, और बालवीर तो आया ही नहीं। मेहर, मुझे तो लगता है कि बालवीर को समझ में नहीं आया होगा कि दादाजी को ग्रीस से कैसे निकालो, है ना? बोलू खबरदार, अगर बालवीर के बारे में कुछ भी बोला तो पीट दूंगी। मेहर, मैं कुछ भी कहा बोल रहा हूँ, मैं तो सच्ची बोल रहा हूँ। मेरा मतलब, हम लोग परेशान थे क्योंकि दादाजी परेशान थे, और दादाजी की परेशानी हमारी परेशानी हुई, तो बालवीर को हमारी परेशानी दूर करने के लिए आना ही चाहिए ना। बलू, ज्यादा होशियार मत बन, बालवीर के पास कितने काम होते हैं तुझे पता है ना? वो तेरी तरह ऐसे इधर उधर घूमता नहीं रहता, उसको बहुत सारे बच्चों को बचाना रहता है। जब हम उसे बुला रहे थे ना, तब वो पक्का बिजी होगा। अरे होने दो उसे बिजी, अब हमें उसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जो काम वो जादू से करता है वो काम मैंने आज अपनी अकल से कर दिखाया है। क्यों मानो? हाँ हाँ, एकदम ग्रेट है। सॉरी सॉरी, ऐसा कोई ग्रेट काम नहीं किया है तूने, समझा ना? क्यों मानो, मैंने कोई ग्रेट काम नहीं किया। ए, तू दोनों के बीच में मुझे मत फंसाओ। बेटर है, अभी मानव को छोड़, मैंने कहा पकड़ के रखा है। अरे ज्यादा होशियारी मत मार, स्कूल में भी तू बच गया। कितने स्टूपिड स्टूपिड आंसर दे रहा था तू टीचर को। टीचर ने पूछा कि अंग्रेज कैसे भागे, तो तू पूरी क्लास में भाग भाग के बता रहा था। गलत क्या किया मैंने उसमें, सही तो किया, भागने को बोला तो भाग के दिखाया, ठीक नहीं था। ज्यादा होशियारी मत मार, ठीक है? कान खोल के सुन ले, आगे से कोई भी कुछ भी तुझसे पूछे ना, तो हमसे पूछ के उस सवाल का जवाब देना। और हाँ प्लीज, सबके सामने मत पूछने लग जाना, साइड में जाके धीरे से पूछना, ओके? हाँ हाँ, और कुछ? और कुछ नहीं, जाके स्कूल बैग भर, तूने भरा नहीं है। ठीक है। मानव, रानी परी को बोलते हैं कि वो दादाजी को जल्दी से ठीक कर दे। हाँ मैं बोलता हूँ, रानी परी दादाजी को ठीक कर दो, उनका पैर कलसी से निकाल दो। हाँ रानी परी, प्लीज उनका पैर ठीक कर दो, उनके सुबह उठने से पहले उनको ठीक कर दो, फिर उनको बहुत खुशी मिलेगी। हो जाए पैर से कलसी, दादाजी को मिले कष्ट मुक्ति। चिंता मत करिए, आप सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाएंगे।
कौन? दादाजी के पैर की कलसी निकालने आया था, पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हूँ मैं आया यहाँ पर रॉकी को झूले में झुलाने के लिए। वो क्या सकता है काम यहाँ पर मेरा? अच्छा, और ये जो हिमक्रीम उड़ाई जा रही है उसका क्या? हिमक्रीम है कहाँ? हिमक्रीम है नहीं यहाँ पर हिमक्रीम। हाँ डुबा डुबाई, ये गलत बात है। ऐसे चोरी छुपे हिमक्रीम नहीं खानी चाहिए। अगर तुम ऐसे चोरी छुपे हिमक्रीम खाते रहोगे तो सबको पता चल जाएगा। नहीं पता चलेगा किसी को। अगर फ्रिज में से हिमक्रीम खत्म होगी तो पता चल जाएगा ना? कम होगी तब ना। हे किया जादू नटखट परी ने। खाऊंगा मैं हिमक्रीम, जितनी भी आ जाएगी हिमक्रीम वहाँ पे उतनी ही। और कहीं ये हिमक्रीम के चक्कर में रॉकी चाचू के झूले तो नहीं भूल गए ना? नहीं नहीं, वो मैं जा रहा रॉकी को झूले में झूला नहीं। हाँ झुलाऊंगा मैं उसको तरह तरह के झूले में। घूमने वाला झूला, फिसलने वाला झूला, ऊपर नीचे होने वाला झूला। हे आता मुझे बहुत मजा। डुबा डुबा, मुझे तो लगता है कि रॉकी चाचू से ज्यादा तुम्हें मजा आ रहा है। नहीं नहीं मतलब हे आरा, मुझे भी बहुत मजा। हिमक्रीम खाने भी मिलती है, हे झूले झूलने मिलते हैं, खेल खेलने मिलता। अब आया समझ में कि परियों को कितनी खुशी मिलती होगी बच्चों को खुश करने में। हाँ डुबा डुबा, बच्चों को खुश करने में बहुत खुशी मिलती है। डुबा डुबा, अब तुम जाके रॉकी चाचू को झूले खिलाओ, मैं चलता हूँ। हेटी बालवीर, बालवीर जी गया मैं भूल, एक बात कहनी आपको। याद करते परीलोक में सब आपको, हो गए कितने दिन गए हुए आपको वहाँ, आज होकर आना परीलोक में एक बार। हाँ मुझे भी बहुत याद आ रही है परीलोक की। एक काम करता हूँ, मैं अभी चला जाता हूँ। है ठीक, जाओ आप उधर, मैं जाता हूँ उधर। खुश रहो, खुश रहो। रॉकी बेटा देखो कौन आया है, तुम्हारा बगीचा रॉकी बेटा झूले में झूलना नहीं है क्या? रॉकी बेटा, रॉकी बेटा, रॉकी बेटा, रॉकी गया कहाँ?
मैं यहाँ हूँ। मैं तो कब से सोया ही नहीं। मेरे जगाने के पहले ही जाग गए। वो कैसे? बगीचा चा, आपके इंतजार में मुझे नींद ही नहीं आई। अब पता है आज झूला झूलने की सारी तैयारी भी मैंने कर ली है। अच्छा बेटा, मेरे बगैर सब तैयारी कर ली तुमने। क्या क्या तैयारी कर ली तुमने? आज मैं बोटिंग करूंगा। बोटिंग? वो क्या होता है? ये देखो, इसे बोट कहते हैं। जब ये पानी पे होती है और हम इसके ऊपर बैठे होते हैं तो उसे बोटिंग कहते हैं। बोटिंग कहते हैं। ओहो, ऐसा कहो ना कि तुम्हें नाव में बैठना है। हाँ, और पता है मैंने हॉल में एक तालाब भी बनाया है। तालाब भी बना लिया? चलो चलो दिखाओ मुझे। अच्छा अच्छा अच्छा, तालाब बनाया तुमने? बगीचा, ये देखो तालाब। चलो अब जल्दी से मुझे छोटा कर दो ताकि मैं इसमें बैठ के गोल 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 घूमूं। बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा। हाँ रॉकी बेटा, ये तालाब और तुम्हारी नाव देखकर मेरे अंदर का भी बच्चा जाग उठा है। मैं भी तुम्हारे साथ घूमने आता हूँ इस नाव में। चलो चलते हैं। इसके लिए हमें छोटा होना पड़ेगा। छोटा? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया। अगली बार मैं तुम्हें हवाई जहाज में उड़ाता हूँ। भयंकर, सच में क्या आ जाएगा आपका जादू हंस? क्या सच में फिर से बन जाओगे आप शक्तिशाली? क्या फिर से आप परेशान करोगी सबको, दुखी सबको, और बनोगी इस ब्रह्मांड की रानी और मैं बनूंगा आपका प्रधानमंत्री? जल्दी से बुलाओ परी भयंकर अपने जादुई दंड को। अब नहीं होता इंतजार, प्रधानमंत्री का सिंहासन रहा है मुझे पुकार। सप्तरंगी गोलो, मेरे जादुई दंड से बोलो, भयंकर परी रही है पुकार, आ जाओ बनकर मेरे वफादार। बालवीर, बालवीर खुश रहो, सभी परियां खुश रहो। खुश रहो बालवीर। बालवीर, आप जब पृथ्वी लोग गए थे ना, तब हम सबको आपकी बहुत चिंता हो रही थी, पर धीरे धीरे आपने हमारी सारी चिंताएं दूर कर दी। हाँ, और अब तो तुमने हम परियों का काम भी काफी कम कर दिया है। अकेले ही सारे बच्चों को बचा लेते हो, उनमें खुशियाँ बांटते हो। हाँ डरी डरी परी, और आजकल तो मैं भी बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं स्कूल जाने लगा हूँ। आपको पता है मैंने टीचर के सारे सवालों के जवाब दे दिए। सारे बच्चे हंस रहे थे, खुश हो रहे थे जवाब सुनकर। अरे वाह, मेरा राजा बेटा। और हाँ माँ, मैं अब अंग्रेजी भी सीखूंगा, कंप्यूटर चलाना भी सीखूंगा, पायलट भी बनूंगा, डॉक्टर भी और इंजीनियर भी बनूंगा। क्या बात है बालवीर। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम्हें गणित से डर लगता है? अक्सर पृथ्वी लोक के बच्चे गणित का नाम सुनकर डर जाते हैं। नहीं गाल परी, मैं किसी भी विषय से नहीं डरता। ये तो बहुत अच्छी बात है, वरना मुझे तुम पर भी गणित के ज्ञान की बारिश करनी पड़ती। पता है कैसे? ऐसे।
मैं अपने गुब्बारों में गणित का ज्ञान भर के पृथ्वीलोक के मेहनती और पढ़ने वाले बच्चों के पास भेज देती हूँ जो किसी कारणवश से गणित में कमजोर होते हैं। हाँ गालपरी, मैं जानता हूँ आपके इस ज्ञान गुब्बारी का ज्ञान उन बच्चों में समा जाता है, फिर वो भी गणित में होशियार हो जाते हैं। हाँ पर गालपरी, आप कितनी होशियार है गणित में? मैं तो बहुत होशियार हूँ। एक काम करो, मुझसे कोई सवाल पूछो, उसका चुटकी में जवाब दे दूंगी। अच्छा, कोई भी सवाल पूछ लो? हाँ, कुछ भी पूछ लो। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि अगर 10 कबूतर एक पेड़ पे बैठे, एक शिकारी आता है और उन पर गोली चलाता है, एक भी कबूतर को गोली नहीं लगती, तो पेड़ पर कितने कबूतर बचे? बस इससे आसान सवाल तो हो ही नहीं सकता। अगर पेड़ पर एक भी कबूतर को गोली नहीं लगी तो 10 के 10 बचे। नहीं, गलत जवाब, क्योंकि बंदूक की गोली की आवाज सुनकर सारे कबूतर पेड़ से उड़ जाएंगे। बालवीर, मुझे पता है ये जरूर शरारती नटखट परी ने तुम्हें सिखाया होगा, है ना? ये दादाजी ने मुझे सिखाया है, वो मुझे बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं। अरे ये तो रानी महल की सुरक्षा भूपू की आवाज है, इसका मतलब है कि भयंकर परी के जादुई दल को कोई खतरा है। अरे वो देखिए, भयंकर परी का जादुई दंड कहीं उड़ के जा रहा है। हाँ, और ये तो भयंकर परी के बुलाने पर ही ऐसे उड़कर जा सकता है। इसका मतलब है कि भयंकर परी आजाद हो गई है। हाँ ऐसा ही लगता है, इस जादुई दंड को तुरंत ही रोकना पड़ेगा, नहीं तो फिर से भयंकर परी अपनी सारी शक्तियां हासिल कर लेगी और अपने बुरे हरकतों पर उतर आएगी। आप सब परियां चिंता मत करो, मैं रोकूंगा इस जादुई डंड को। हेट काती परी, शक्ति देख रही, ये जादुई डंड भयंकर परी तक ना पहुंच पाए, इस वक्त जहां है वहीं अटक जाए। ये जादुई डंड आ क्यों नहीं रहा है? लगता है मुझे अपनी शक्तियां और बढ़ानी पड़ेगी। और ये जादू डंड खींच रही है।